कैसे दोस्तों, एक बार फिर स्वागत है आपको चैनल में। तो आज मैं आपको ईयर बनाने के बारे में बताऊंगा। तो आपको मैं थोड़ी आपको शेडिंग टिप्स दूंगा, जिससे कि आपकी ड्राइंग थोड़ी और आसान हो जाएगी, आपको बनाने में आसानी होगी। तो चलिए फिर वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले तो आप जो आपकी रेफरेंस फ़ोटो है आपने उसे ऑब्ज़र्व करना है, फिर उसके अकॉर्डिंग आपने लाइन खींचनी, मतलब एक सेंटर बेस दे देना है। अब जैसे मैं कर रहा हूँ आप भी वैसा कर सकते हैं, सेंटर बेस आपने देना है। देखिए डी आकार बन गया है, तो नॉर्मली डी शेप का ही होता है, थोड़ा सा उसमें चेंज होते हैं और डी से तो हमारा नाम भी है। और आपने अपनी रेफरेंस फ़ोटो को ऑब्जर्व करते रहना, मतलब आपने अपनी रेफरेंस फ़ोटो देखनी है और उसे मैच करके उसके हिसाब से आपने अपनी आउटलाइन खींचनी है। और आपने लाइट से डार्क रखना है। आप जैसे शेडिंग देख रहे हैं हमारी ईयर की, ऊपर की तरफ से पड़ रही है तो ऊपर वाला जो पार्ट है एकदम वाइट है, और जो नीचे साइड के थोड़े जो अंदर के साइड में है वो ब्लैकिश में आ रहे हैं, और जो इसका थोड़ा बैकग्राउंड है वो ब्लैक में है। तो अपने मेन लाइट और डार्क का ही ध्यान रखना है। अब जहाँ जहाँ डार्क है आप वहाँ पर बाद में डार्क चलाएं, पहले आप लाइट वाले पार्ट को कर लें, फिर लाइट से डार्क की तरफ जाएं आप। अब हम थोड़ा डार्क कर रहे हैं, आप देख रहे होंगे बिल्कुल बेसिक चीज़ है ये। इस इन सब चीज़ों के बाद ही आप आगे बढ़ सकते हैं। अब जैसे इसमें मेरे को काफ़ी कम टाइम लगा था, तो अगर सेम चीज़ अगर हम बिल्कुल रियलिस्टिक में बनाएंगे तो हमें आराम से 1 घंटा लग जाएगा, बड़े आराम से लग जाता है। अगर बिल्कुल इसको हम सेम टू सेम अगर बिल्कुल रियलिस्टिक बनाएं शेडिंग में, तो ये तो मैं आपको सिखा रहा हूँ। तो आपने मेन बेसिक इसी चीज़ से करनी है, आपने एकदम रफली बनाने हैं शुरू में। फिर रफली बनाएंगे तो आपकी स्पीड थोड़ी बढ़ जाएगी और बाद में देखिए हम हल्के हल्के और लाइट कर रहे हैं। तो बिल्कुल सेम तो नहीं पर काफ़ी अच्छा बन गया है। होप करता हूँ आपने हमारी इस वीडियो से कुछ सीखा होगा। ऐसी और नई वीडियो देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।